हेलो दोस्तों, अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश को लेकर एक ताज़ा जानकारी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी मौसम में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक करके मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो है कैसा रहेगा मौसम और आपके यहाँ पर कब बारिश होगी और कैसा आपके यहाँ पर जो है शीतलहर का प्रकोप रहेगा, ये पूरी जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी रहते ना तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला खत्म होने के साथ ही ठंड बढ़ गई है कई जगहों पर। आपको पता होगा पिछले एक सप्ताह के दौरान बारिश हुई थी। आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर का असर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और छतरपुर जिलों में शीतलहर काफी ज्यादा चलने के अनुमान है। और घना कोहरा भी मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर, शाजापुर, ग्वालियर, दतिया में घना कोहरा छाया रहेगा। और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। दतिया, ग्वालियर, नौगांव में शीतलहर का प्रभाव देखा गया और जबकि भोपाल, बैतूल घने कोहरे के तेवर में देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर मौसम भारी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, होशंगाबाद संभागों के जिलों में विशेष तौर पर परिवर्तन नहीं हुआ है और शहडोल, इंदौर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान गिरा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान ग्वालियर, दतिया, नौगांव में दर्ज किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश में जो है हवाओं का रुख बदलने से अधिकतम तापमान के साथ ही अब न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसी क्रम में दोस्तों राजधानी का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 1 डिग्री से अधिक रहा। साथ ही दोस्तों बताया जा रहा है कि कई जगहों पर मध्य प्रदेश में भारी ठंड का प्रकोप भी है। और मौसम में मिली जानकारी के मुताबिक दोस्तों राजधानी में अधिकतम तापमान काफी ज्यादा जगहों पर बढ़ गया है, 30 के करीब भी चला गया। और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर गर्मी के जैसे भी हालात देखने को मिल रहे हैं और दक्षिण पूर्वी और दक्षिण हो रही है। और दोस्तों इसी वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। अभी भी 2 दिनों तक रात के तापमान में और बढ़ोतरी होगी। और मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में हवाओं का रुख और दक्षिण पूर्वी होने जा रहा है और इस वजह से इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद संभाग के जिलों में न्यूनतम में काफी ज्यादा तापमान बढ़ रहा है। और हालांकि शाम के समय कुछ इलाकों में रुख उत्तरी होने से वातावरण में सिहरन बरकरार है। और दोस्तों राजस्थान के साथ साथ जो मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाओं का रुख काफी ज्यादा बना हुआ है और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर मौसम बदलेगा। और दोस्तों अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जगहों पर ठंड जो है और देखने को मिल सकती है। और दोस्तों कई जगहों पर शीतलहर भी अभी भी जारी रहने के अनुमान है और पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान भी जो है कई जगहों पर मौसम बदला है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों अगले 1 सप्ताह के दौरान भी जो है मध्य प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में जो है आज मौसम आमतौर पर शुष्क है, लेकिन दोस्तों कुछ स्थानों पर शीतलहर का प्रभाव रहा जिसके चलते कई स्थानों पर ठंड का प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर कोहरा भी है। मौसम विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा, लेकिन दोस्तों हालांकि इसी बीच रीवा, सतना, उमरिया, जबलपुर और दोस्तों मलाजखंड, शिवनी, खजुरा, नौगांव, रतलाम, ग्वालियर, दतिया में शीतलहर का प्रभाव रहा जिसके चलते उन स्थानों पर ठंड अधिकतम रही। और इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी ठंड का प्रभाव काफी देखा गया और उमरिया में पारा लगभग जो है काफी ज्यादा नीचे गिर गया है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कि मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा 13 स्थानों पर रात्रि का जो है रात में तारा 3 से 5 डिग्री के आसपास भी बना रहा। शेष स्थानों पर कई जगहों पर तापमान 10 के करीब भी आया। दोस्तों कई जगहों पर भारी ठंड भी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान चंबल संभाग के जिलों में तथा ग्वालियर, दतिया, रतलाम, छतरपुर, रीवा, सतना, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, शिवनी और बालाघाट में कहीं कहीं पर शीतलहर चलने और उमरिया, शहडोल, ग्वालियर, दतिया और छतरपुर जिलों में जो है काफी ज्यादा जगहों पर कहीं पाला पड़ने और कहीं काफी ज्यादा जगहों पर जो है भारी शीतलहर चलने के अनुमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ने के अनुमान है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में लगभग सभी के सभी जिलों में मध्य प्रदेश में ठंड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको बता दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है ठंड से थोड़ी राहत मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। और भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, भोपाल और उज्जैन चंबल संभागों के जिलों में रायसेन, सीहोर, शिवनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह जो है सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया और शहडोल में और घना कोहरा जो है ग्वालियर, चंबल, रीवा, उज्जैन संभाग के जिलों में और भोपाल और राजगढ़ में भी काफी ज्यादा जगहों पर जो है भारी से भारी ठंड हमें देखने को मिल सकती है। और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हैं और कई जगहों पर कोहरे भी देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक काफी ज्यादा जगहों पर मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा ठंडा मौसम रहने के अनुमान है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इंदौर और बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर और साथ में झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन संभाग के उज्जैन, देवास, आगरा, मालवा और दोस्तों साथ में शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, होशंगाबाद
होशंगाबाद संभाग के जिलों में और बैतूल, ग्वालियर संभाग, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, चंबल, श्योपुर और मुरैना, भिंड के साथ ही सीहोर, सिवनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया और शहडोल जिले शामिल है। और मौसम विभाग की माने तो घना कोहरा जो है अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, उज्जैन, देवास, आगरा, मालवा, शाजापुर, रतलाम और मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, निवाड़ी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, भोपाल और राजगढ़ जिले में घना से घना कोहरा देखने को मिलेगा। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर भारी से भारी मौसम में हमें जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों मिली अभी भी जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में गर्मी के जो है सितम हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कई जगहों पर गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपके यहाँ पर कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना मौसम में बदलाव हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना। देवास में दोस्तों लगभग जो दोपहर के समय 27 और 28 के करीब तापमान चला जा रहा है और कई जगहों पर जो है थोड़ी बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। राजगढ़ में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जगहों पर बारिश के जैसे अनुमान बने हुए, काफ़ी बादल भी छाए हुए हैं। और दोस्तों शाजापुर में भी आज बादल छाए हुए लेकिन तापमान लगभग 30 के करीब चला गया आज। जी हाँ दोस्तों 30 के करीब। वहीं सीहोर में भी बादल छाए रहे दिन भर में और अगले 24 घंटों में थोड़ी बहुत जगहों पर जो है काफ़ी ठंडी देखने को मिल सकती है। रायसेन में दोस्तों ठंडी जो है रात के समय काफ़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा भी मौसम है, ज़्यादा गर्मी भी देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों छिंदवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान भारी बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। इंदौर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जगहों पर भारी से भारी जो है गर्मी के जैसे हालात देखने को मिल रहे थे लेकिन आज दोपहर को जो है कई जगहों पर 28 के करीब तापमान है और रात के समय जो है दोस्तों लगभग 14-15 डिग्री तक जाने के अनुमान है। भोपाल मध्य प्रदेश में भी दोस्तों लगभग आज जो है काफी बादल छाए रहे और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी मौसम काफी जो है ठीक ठाक रहेगा, ज्यादा ठंडी भी नहीं रहेगी और ज्यादा जो है गर्मी भी नहीं रहेगी। कटनी में दोस्तों जो अगले 24 घंटों में बादल काफी ज्यादा आवाजाही रहेगी, यानी कि बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाएं चलने के अनुमान है लेकिन बारिश की ज्यादा उम्मीद नहीं है। और मंदसौर में भी दोस्तों लगभग 27 और 28 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है दोपहर के समय। और दोस्तों दतिया में थोड़ी ठंड ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों दतिया में दोपहर के समय भी लगभग 20 से 22 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है और दतिया में रात के समय लगभग 10 के करीब तापमान आ जाता है, जिससे भारी ठंड के प्रकोप देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में भी दोस्तों काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है, ग्वालियर में भारी ठंड का प्रकोप है, 22 और 20 के करीब तापमान और रात के समय भी लगभग 10 के करीब तापमान आ जाता है। और दोस्तों भिंड की बात करें, भिंड में भी भारी ठंड का प्रकोप है, दोपहर के समय भी लगभग 18-19 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया गया और वहीं दोस्तों जो है बादल भी काफी ज्यादा छाए हुए रहे और भिंड में दोस्तों रात के समय तापमान जो है लगभग जो है 10 और 9 के करीब भी आने के अनुमान जताए जा रहे हैं। छतरपुर में दोस्तों थोड़ी बहुत जो है गर्मी भी देखी गई लेकिन आज जो है काफी अच्छा मौसम रहा क्योंकि बादलों की आवाजाही काफी ज्यादा रही, रात के समय दोस्तों 13-14 के करीब जो है तापमान जाने के अनुमान है और मौसम काफी ठंडा और सुहावना जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है कई जगहों पर भारी ठंड का प्रकोप भी हमें देखने को मिल सकता है। और अभी भी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक दोस्तों जो है मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जगहों पर जैसे कि ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर जगहों पर शीतलहर काफी ज्यादा चलने के अनुमान जताए जा रहे हैं, यानी कि ठंडी हवाएं चलेगी। और मौसम विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक दोस्तों भोपाल, इंदौर, शाजापुर, ग्वालियर, दतिया में घना कोहरा छाया रहेगा और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान भी दतिया, ग्वालियर, नौगांव शीतलहर का प्रभाव दिखा, जबकि भोपाल और बैतूल में भी घने कोहरे काफी ज्यादा देखने को मिले। पिछले 24 घंटों के दौरान भी जबलपुर, होशंगाबाद संभाग के जिले विशेष परिवर्तन हुआ। वहीं दोस्तों शहडोल, इंदौर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान गिरा, सबसे कम न्यूनतम तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों ये था आज का मध्य प्रदेश का मौसम सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।